बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे, नभ जल और थल से होगी अयोध्या में निगरानी। आपको बता दें कि फैसला और दीपोत्सव से पहले अतिरिक्त फोर्स की तैनाती कर दी गई है। प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी जोन से पुलिस फोर्स की डिमांड की गई। आपको बता दें एसटीएफ एटीएस सर्विलांस की कार्यक्रम पर रहेगी नजर। बड़ी खबर आपको बता रहे, नभ जल और थल से होगी अयोध्या में निगरानी। फैसला और दीपोत्सव से पहले अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी जोन से पुलिस फोर्स की डिमांड की गई है। एसटीएफ एटीएस सर्विलांस की कार्यक्रम पर नजर रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी। फैसला और दीपोत्सव से पहले अयोध्या में सुरक्षा की तैयारी। पीएसी के साथ साथ तीन जोन से पुलिस फोर्स की डिमांड। जोनर फोर्स के साथ सीबीसी, आईडी, एंटी करप्शन, ईओडब्ल्यू और पीएसी फोर्स भी रहेगी तैनात। दीपोत्सव की सुरक्षा के लिए 7 एएसपी, 20 सीओ, 20 इंस्पेक्टर, 70 सब इंस्पेक्टर, 500 सिपाही किए गए तैनात। उपचुनाव के बाद केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी अयोध्या में किया जाएगा तैनात। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ एटीएस की कमांडो टीम भी अयोध्या में रहेगी तैनात। एसटीएफ और एटीएस की सर्विलांस टीम भी रखेगी दीपोत्सव के कार्यक्रम पर नजर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी। उपचुनाव के बाद केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी अयोध्या में तैनात किया जाएगा। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ एटीएस की कमांडो टीम भी अयोध्या में तैनात रहेगी। एसटीएफ और एटीएस की सर्विलांस टीम भी रखेगी दीपोत्सव के कार्यक्रम में नजर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इसी खबर